सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाना, मेरे बाप को पता चल गया ना तो वो मुझे भी घर से निकाल देगा। शक्ल से ही कमीने लगते हैं। मैं और कमीना? जानी मैंने बाइक बेच दी। तूने अपनी नई बाइक बेच दी? अपनी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अजमल दिल्ली वाला है, खानदानी रिश्ता करवाने वाला हूँ। जब छूत है लॉक कर आपकी कैटरिंग प्रोफाइल तो बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों को तजुर्बा भी है। ये बताइए कि आप दोनों में से मोहम्मद सलीम कौन है? एक्चुअली ये कंपनी मेरे वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, उनका बिजनेस अब मैं ही देखता हूँ। लेकिन एग्रीमेंट पर साइन तो मोहम्मद सलीम के ही होंगे। लेकिन वो तो वो तुम्हारे पे। और पिछले महीने उन्हें हार्ट अटैक आया और बेचारे वसीयत भी नहीं बना सके। अब हाशिरी बिजनेस संभालता है, हाशिरी ने आईडी कार्ड दी ना जरा प्लीज। अशीर वल मोहम्मद सलीम, ठीक है मैं यकीन कर लेता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि एग्रीमेंट पर साइन कर लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी जी। पेमेंट हर 3 महीने बाद क्लियर होगी। सर 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप 1 महीने में 2 चेक क्लियर कर दें तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। ठीक है, हर 2 महीने बाद क्लियर हो जाएगी। नो मोर डिस्कशन, ऑल राइट। हम लोग कल ही से डिलीवरी शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अबे तू वो देख सारन पूरे हैं कि नहीं, क्या हो तेरा पूरे सारन? हाँ पूरा पूरा। भाई देख ले, ऐसा ना फंस जाए बाद में। यार दानी, यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, अगर डिमांड पूरी ना हुई तो डील कैंसिल हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। अबे ओए मनुष आदमी, चुप करके बैठ, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ और तू बुरी बातें कर रहा है, चुप कर। अबे यार डरो मत, चलो। अबे दानी शुरू कर काम करते, घंटी को ना ढाबे वाले के पास बीवी रखवाए थे, सारे काम जानता हूँ उनके। अबे तू मेरी फुटबॉल के पीछे क्यों पड़ गया है? एक काम कर, ये ले 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 मेरी, ले ले मार मार। अबे हट, हत्ता की फुटबॉल है। अबे हट।
बेबी। कहते हैं ना, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। अपना बिजनेस चल पड़ा, अब हम शादी कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। अरे मिल लूंगा ना, परेशान क्यों होती। शादी की बात पक्की करने के लिए दानिश, तुम्हारे पेरेंट्स को तो आना लाजमी है ना। नहीं यार, मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते, उनसे मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका। दानिश, अब्बा ऐसे कभी भी नहीं मानेंगे। अरे तो मैं मन मानूंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो। आखिर कमाऊं कूद चुका हूँ, अपना रोजी रोजगार चलता है यार, तुम परेशान क्यों होती हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे। वो मेरा तो साथ साथ मेरे अब्बा का भी जीना हराम कर देंगे। अच्छा ना यार, अपना मुंह ठीक कर लो, मैं कराए तो माँ बाप ले आऊंगा बस। अब खुश हाँ, अच्छा चलो अब आओ ना। नहीं शादी के बाद याद करवा दो प्लीज। अच्छा दोनों अभी नहीं, शादी के बाद प्लीज। बोला ना अभी नहीं। इसकी माँ के बंटे मारूं यार, यार ये साला बिजनेसमैन बन गए, ये एसएमएस के पैकेज नहीं है यार। रोज दिन रात मैं कुत्ते की तरह काम करता हूँ, लेकिन लड़कियों को एक मैसेज नहीं कर सकता, क्या बैड इंप्रेशन जाता होगा यार। भाई बंटी बोल दियो यार, तो किसी काम से भाव में गए बता, खत्म बात। यानी कौन से मुल्क में फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं होता। यार बंटी बोल दी, तेरा मोबाइल गिर गया था बस। यानी आज से पहली बार ना लड़कियों को यही बोला है, अब की बार बोलूंगा ना तो बोलेगी चूतिया है। वैसे तू है तो, लेकिन सबको छोड़ सिगरेट पिला यार। यानी सिगरेट चाहिए, ये ले सिगार। इधर मेरे पास बैलेंस नहीं है और तू सिगरेट की बात कर रहा है। अबे तो हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहता है, कभी मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो 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 बैठो क्या यार, बैठ चल बैठ जा। मुझे पता है किसी के पास पैसे नहीं, लेकिन तुम लोग का तीन वक्त का खाना और छाछ पानी के लिए छत तो मिल रही है ना। एक दफा बिजनेस स्टार्ट होने दो, तुम लोगों को याशियां स्टार्ट करवा दूंगा। चूतियों की तरह लड़े जा रहे हैं। बंटी देख दरवाजे पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। अरे वालेकुम सलाम, सलामत भाई आप हमारे घर पे। मुझे कह दिया होता मैं खुद चलकर आया था। एक दानिश, तूने हमें एक महीने के क्रेडिट का कहा था, आज पूरे 25 दिन ऊपर हो गए। सलामत भाई पीछे से पेमेंट नहीं हुई, मुझे सिर्फ एक तारीख तक का टाइम दे दें, जहाँ आपने इतना सब्र किया वहाँ पे थोड़ा सा और सब्र कर लें। देखो अगर पहली को तुमने पूरी पेमेंट ना की ना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। अरे सलामत भाई आपने ये काम कब से शुरू कर दिया। सब करना पड़ता है, मेरा डंडा 24 घंटे तेल में रहता है, नीचे से डालूंगा ऊपर से निकाल दूंगा। सलामत भाई, सलामत भाई आप जाओ, ये मेरी गारंटी है आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। जाता लेकिन दुआ करो कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सलामत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अगर पहली तारीख तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार तुम लोग इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पहली तारीख तो आने दो। अबे ठंडा हो जा दानिश, ठंडा हो जा। जानी हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। नौकर यार चेक कर, क्या हो गया, क्या भाभी कपड़े बदल रही है। अबे क्या बकवास कर रहा है, ढाबे वाला भाभी पे डोरे डाल रहा है। अबे ये तो कोई और कहानी लग रही है यार। लो भाई हो गया काम। अबे ये भाभी तो सलामत की बेटी निकली। अबे ये भी तो हो सकता है इसका चाचा या मामा हो। अबे तो फोन करके पता करना यार, किसके वेट कर रहा है, कर लगा फोन, लगा जल्दी लगा यार। तेरा अगर ये ससुर निकला ना दानी तो ये तुझे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, वरना तेरे ये सही कह के लेगा, मैं तुझे बता रहा हूं। हेलो
हेलो उर्वा, ये सलामत तेरा बाप है? तमीज से मिस्टर, वो मेरे बाबा हैं। बहुत सख्त मिजाज के हैं, जरा बच के ही रहना तुम उनसे। हाँ, उसका तो अंदाजा मुझे हो ही गया था। अच्छा, मैं तुझसे रात में बात करता हूँ। अच्छा सुनो, तुम मेरे बाबा को कैसे जानते हो? मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अभी उसका बाप निकला। चलो बैठ जाओ आराम से। दानिश, तुम्हें पता है मेरे अब्बा मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं, और वो भी उन्हीं के दोस्त के बेटे के साथ। फिर तुमने क्या कहा? दानिश, तुम्हें पता है मैं उनके सामने कुछ नहीं कहती, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और तुम्हें पता है उन्होंने मेरी खामोशी को ना हाँ समझ ली है। मैं साले की जान ले लूंगा, तेरी भी जान ले लूंगा, समझी? वैसे ये लड़का रहता कहाँ? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मुझे इसका एड्रेस पता होगा? मैं बस जाके पूछूं कि दानिश को उससे मिलना है, अब्बा मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। अरे यार, मेरी सलामत अंकल से बातचीत खराब हुई हुई है यार, तुम समझो। पहली तारीख तक बस किसी तरह रोको उन लोगों को। हाँ ठीक है, रोक लेती हूँ। फिर तुम पहली तारीख को आके मेरी शादी होते हुए देख लेना, ठीक है? अच्छा नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। एक हल है, मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, लेकिन तुम्हें कल ही मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है? यार दानिश, कहाँ था सारा दिन यार, क्या हुआ? सलामत गुस्सा क्यों कर रहा था, माना क्या नहीं? उसने इनकार कर दिया क्या? कह रहा जब तक अम्मा अब्बा नहीं आएंगे कोई बात नहीं हो। अरे जानी, समझाता उसे, उसको अपनी बेटी की शादी तुझसे करनी है, तेरे बाप से। खैर दानी, एक काम कर, उर्वा को बगा के ले जा, हम तेरे साथ है। हाँ जानी। और दुआ करो यार, कल चेक मिल जाए, सारे मसलों का हल हो जाए। चेक से याद आया, आज रात लड़कियों से गंदी बातें नहीं करना, अनौती नहीं फैलानी, सही है? तो मुझे गंदी बात से याद आया, तुमने जो मेरे चड्डे कल गंदे करे तो धोई क्या नहीं? जानी, एक दफा पैसे आ जाए चड्डों का ढेर लगा दूंगा। अबे एक तो तू चड्डों पर इतने पैसे खर्च करता है ना, तो मच्छी भी गंदी अगर। खैर दानी, तो दिल छोटा मत कर, मैं खाना लगाता हूँ, खाना खा। आशिफ, मेरे लिए खाना मत गर्म करना, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम लोग खाना खा लो। बात सुन जानी, हमारे लिए ले आ जा। चलो मैं लेके आता हूँ। वो चाय भी ले आइए मेरे लिए। ऑफिस क्लोज्ड, ताला भी लगा हुआ। मेरा बाप तो मुझे मार डालेगा। दानी जी, नंबर है ना यार, इसको मिला के देख यार, मुझे लग रहा है खुल जाएगा यार। ये बंद जा रहा है तो कोई और देख यार, कोई और नंबर होगा यार। अब सब कुछ बिक गया, अब मेरी आखिरी उम्मीद भी बुझ गई यार। दानिश, 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 मुझे कुछ हो रहा है यार। क्या हुआ?
बबू आप? जब औलाद उदास होती है वालिदैन ही सहारा देता है। देख लिया आप लोगों ने, वालिदैन की नाफरमानी से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वालिदैन औलाद की डांट टपट कर लेते हैं तो वो भी औलाद की भलाई के लिए करते हैं। तुम लोगों की नाफरमानी अपनी जगह पर, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए कोशिश की। कोशिश इंसान को कामयाब करती है। वालिदैन औलाद से कभी गाफिल नहीं होते। आप लोगों की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचती रहती थी। जवान बेटा, आपके सामने रोते हुए अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्यों डैड? सलामत। अरे भाई सलामत। सर क्यों बुला रहे डैड? हम भी पैसे देने उसको। दानिश, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक पहली तारीख को आया हूँ। मेरा चेक तैयार है, लाओ मुझे दो। सलामत भाई, कंपनी बंद हो गई और पैसे डूब गए, पैसे नहीं है। वालिदैन कभी अपने बच्चों को डूबने नहीं देते। सलामत मेरे बचपन का दोस्त है। अरबा जब पैदा हुई थी तभी मैंने दानिश के लिए मांग लिया। हमने तो बचपन में ही तुम लोगों की रस्म अदा कर दी। दानिश बेटा, मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन तुम्हारे अब्बा के कहने के मुताबिक मैं खामोश था। और आज से तुम मेरे दामाद हो। और दानिश बेटा, बहुत जल्द मैं शादी की तारीख भी तय कर दूंगा। I'm really sorry. मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा दानिश, एक बात याद रखो, जिंदगी एक तजर्बा है और तुम लोगों ने सख्त मेहनत और कोशिश करके ये तजर्बा हासिल किया। ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी और अब इंशाल्लाह हम सब मिलकर कारोबार करेंगे और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अजीज हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी खुश हो जाएं। मैंने सब पेरेंट्स से बात कर ली है, सब ने माफ कर दिया है। अब सब अपने अपने घर जाओ, वालिदैन की खिदमत करें, मेहनत करें, खुश रहें। सूरज निकलने से पहले ही निकल जाना, मेरे बाप को पता चल गया ना तो मुझे भी घर से निकाल देगा। शक्ल से ही कमीने लग। मैं और कमीना? जानी मैंने बाइक बेच दी। तूने अपनी नई बाइक बेच दी? अपनी नहीं।